नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बीमारी के चलते मिली 6 हफ्ते की अंतिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी। मारुति जिम्नी 5-डोर ऑटोमेटिक का इंडिया रिव्यू, ऑफ रोडिंग के लिए है दमदार। माइलेज के मामले में सामान्य मारुति कारों की तरह डबल डिजिट में माइलेज नहीं देती है। एक सामान्य सिटी ड्राइविंग में इसमें लगभग 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। कांग्रेस को मनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। मुलाकात का मांगा समय सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा। राहुल गांधी के पासपोर्ट पर दिल्ली की अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, आज 1 बजे आएगा आदेश। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत शुक्रवार दोपहर 1 बजे पारित करेगी। राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, दोपहर तक अदालत अपना आदेश पारित करेगी। चोल राजवंश में कैसे होता था सत्ता परिवर्तन, राज्याभिषेक में राजदंड और वैदिक रीति रिवाज का क्या था योगदान। चोल राजवंश की परंपरा के अनुसार राजा के वृद्ध या निधन हो जाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था। इस दौरान पवित्र राजदंड सेंगुल को मुख्य पुजारी के हाथों नए राजा को दिलवाया जाता था। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री के 40 ठिकानों पर आईटी का छापा, डीएम के कार्यकर्ताओं के अधिकारियों संग झड़प। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री के भाई और करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। चेन्नई, करूर और कोयम्बटूर समेत कई शहरों में चल रही है छापेमारी। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर रिलीज होते ही पश्चिम बंगाल में मचा बवाल, डायरेक्टर को भेजा लीगल नोटिस। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल खड़ा हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लीगल नोटिस भेजा। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी, गगनदीप कौर बनी टॉपर। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 3 लाख से अधिक विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। फिर गर्जी उषा ठाकुर, कांग्रेस को बताया ढपोल शंख। दिग्विजय सिंह को दी बड़ी चुनौती, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर सिंह ने पहले दिग्विजय सिंह को महू आकर चुनाव लड़ने का न्योता दिया और अब पूरी कांग्रेस को ढपोल शंख करार दे दिया है। महू में उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ढपोल शंख के सिवाय कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छेड़ा नया विवाद, सेंगोल को लेकर उठाए सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक नया विवाद छेड़ दिया है। मौर्य ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में सेंगोल का देश की संसद में क्या था। पीएम नरेंद्र मोदी के कायल हुए जयंत चौधरी, आपको बता दें कि जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों के 3रे सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत सिंह ने प्रतिक्रिया दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर रालोद नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल पर विस्तार से बोले। भारत में खेल प्रतिभा के विकास के अनंत संभावनाओं को तब्दील करना है तो खिलाड़ियों का सम्मान रखें। सेंगोल पर अखिलेश यादव के सबसे अलग रुख ने चौंकाया, 2024 चुनाव से बताया खास कनेक्शन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए संसद के उद्घाटन में सेंगोल की मौजूदगी को लेकर सबसे अलग प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने सेंगोल का साल 2024 के लोकसभा चुनाव से खास कनेक्शन बताया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगले साल लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बेटे ने ट्वीट कर बढ़ा दिया विवाद, तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया डैमेज कंट्रोल, कहा पार्टी में सब सामान्य। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत द्वारा डाली गई यह पोस्ट जमकर वायरल हो गई। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। लोगों ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर जमकर वायरल किया। इस पोस्ट के जवाब में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पार्टी में सभी लोग सामान्य हैं, मैं इस समय बाहर हूँ, क्या लिखा गया वह भी नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से लिखा जाना गलत है। विधानसभा चुनाव से पहले फिर छलका ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द, आपको बता दें इस वजह से
दिग्विजय सिंह ने कहा, धन्यवाद महाराज। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द एक बार फिर छलक आया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर प्रतिक्रिया दी। इस ट्वीट में सिंधिया ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। सूरत में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा पार्क। 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक, लगेंगे 6 लाख पौधे। इस बायोडायवर्सिटी पार्क में 13 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, साथ ही 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। इस बायोडायवर्सिटी पार्क में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नौतपा की शुरुआत, बारिश ओलों के साथ नीचे गिरा पारा। 29 मई तक IMD ने जारी किया है अलर्ट। हरियाणा पंजाब में बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि से भी हो रही हैं, आपको बता दें, जिससे तापमान में गिरावट आई है। आम जनता को पर्यटन निगम का झटका, दोगुना किया लिफ्ट का किराया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जनता को करारा झटका दिया है। शिमला में बने लिफ्ट की आवाजाही का किराया दोगुना हो गया है। यहां मिलने वाले वरिष्ठ नागरिकों की छूट को भी अब खत्म कर दिया गया। सेब बागवान नहीं होंगे परेशान, प्रति किलो के हिसाब से होगी बिक्री। हिमाचल में जल्द से सीजन शुरू होने जा रहा है। इस बार से प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा, इसमें से इससे बागवानों को फायदा मिलने वाला है। एक बाइक पर 7 लोग, नालंदा में 5 बच्चों के साथ पत्नी को लेकर जा रहा था पति, दुर्घटना में महिला की मौत। पति अपनी पत्नी को लेकर 5 बच्चों को लेकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर बाईपास में सड़क किनारे गिर गई। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई, इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत में पटना रेफर किया, लेकिन महिला की मौत हो गई। राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत, 3 साल के लिए दी गई NOC। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।